नमस्कार दोस्तों, टेक्टोनिक्स हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो सी पी प्लस का जो इजी कैम मॉडल का जो कैमरा होता है उसमें किस तरह के मेमोरी कार्ड सपोर्ट होते हैं और किस तरह से मेमोरी कार्ड को लगाया और निकाला जाता है। इसी तीन बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। एक बेसिक सा वीडियो है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में है एक सी पी प्लस का इजी कैम। इसका मॉडल है CPE31A। ये देखिए CPE31A मॉडल है ये, और ये एक 3 मेगापिक्सल कैमरा है। और इसी तरह का एक E21A और E41A भी आता है। तीनों में बात किया जाए तो तीनों कैमरे में जो बेसिक डिफरेंस होती है मॉडल की, वो होती है ड्यू टू इट्स मेगापिक्सल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, E31A 3 मेगापिक्सल कैमरा मेरे हाथ में है। इसी तरह E21A 2 मेगापिक्सल कैमरा है और E41A 4 मेगापिक्सल कैमरा है। बाकी रंग रूप बनावट और फंक्शन सारे सेम होते हैं इसमें। तो चलिए फिर बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास दो मेमोरी कार्ड हैं, एक है 64 GB का और एक है 128 GB का। तो इसमें GB का तो अंतर आप समझ ही पा रहे होंगे। 64 GB मतलब लेस स्टोरेज एंड 128 GB मतलब हाई स्टोरेज। 64 GB में आपको 15 दिन की बैक डेट की रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाती है और 128 GB में आपको 30 डेज़ की बैक डेट की रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। हमारे काफ़ी यूज़र्स ने कमेंट किया था कि सर इस मेमोरी कार्ड के ऊपर कुछ सवाल पूछे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से इन सब का जवाब दे दिया जाए। तो जो मेन चीज़ होती है वो हमें जो देखना होता है वो होता है इसमें, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक यहाँ पर आपको 10 लिखा दिखाई देगा, 10। ये देखिए A1 के बगल में यहाँ पे एक 10 लिखा हुआ है और सर्किल किया हुआ है। तो 10 का मतलब होता है ये क्लास 10 SD कार्ड है, क्लास 10 ग्रुप का SD कार्ड है। और इसकी रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा मेगाबाइट्स पर सेकंड इसकी रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड होती है, और जो कि हमारे इस कैमरा के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया जाता है। तो जब भी हम मेमोरी कार्ड खरीदेंगे, इस क्लास 10 का जो है मेमोरी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए दूसरे कार्ड का भी देख लेते हैं कि ये क्लास 10 है कि नहीं। इसमें मैं दिखाता हूँ कि ये भी क्लास 10 मेमोरी कार्ड है। ये देखिए ये क्लास 10 A1 मेमोरी कार्ड है। GB आप मिनिमम 64 लीजिएगा और मैक्सिमम 128 GB लीजिएगा। इन दोनों में से जो आपको रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो उसके अकॉर्डिंग आप मेमोरी कार्ड ले सकते हैं। इन मेमोरी कार्ड्स का जो बाइंग लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन अमेज़न का बाइंग लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आप अपना मनचाहा मेमोरी कार्ड जो कि सपोर्टेबल है इस कैमरा के लिए ख़रीद सकते हैं, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करना और निकालना दोनों का एक सही प्रोसेस क्या है। तो ये ज़रा इस पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस पर इस तरह का एक निशान बना हुआ है, ये रहा। ये मेमोरी कार्ड का ही एक सिंबल है जो कि हमें दिखाता है कि जब भी मेमोरी कार्ड यहाँ से अंदर इंसर्ट होगी तो उसका डायरेक्शन या बनावट हमें इसके हिसाब से मिलाना पड़ेगा। इसी तरह इसका बनावट होना चाहिए, जैसा कि आप हम मेमोरी कार्ड पे थोड़ा सा इसके बिल्ड पे ध्यान देते हैं। तो इसमें दो तरह का एज होता है। एक एज आप देखिए, एक एज ये वाला है ना, ये एज जो है ये प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, और दूसरा एज हमारा होता है ये कट, जो ये अनइवन है, ये कट किया हुआ है तो ये सीधा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे कटिंग्स हैं। तो इस तरह हमें रखना है मेमोरी कार्ड को। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा विजिबिलिटी के लिए, मैं इसको पकड़ लेता हूँ अच्छे से, इस क्लिप की मदद से मैंने इसे पकड़ लिया है। अब आप देखिए, यदि मैं मिलाना चाहूँ और इस मेमोरी कार्ड को इस तरह से इंसर्ट करना चाहूँ इसमें, तो आप देख पा रहे हैं कि ये मिसमैच है। जो कट वाला पार्ट है हमारा मेमोरी कार्ड का अपर साइड में है, और जो कैमरे पर जो दिया गया है सिम्बॉल उसमें डाउन साइड में है। तो इस तरह से हम इसको जो है मैच करेंगे। तो मैच करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा ऐसे करके पलट देना है। तो इसे पलट दिया हमने, अब आप दोनों को मिला के देखिए, जिस तरह सिम्बॉल हमारा दिया हुआ है कैमरे पे उसी तरह का मेमोरी कार्ड का ओरिएंटेशन हमने रखा है इसमें घुसाते समय। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक इस तरह का चैनल दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसमें हमें बहुत ही आराम से इसको इंसर्ट करना है। इसमें एक मेटल का, ये देखिए मेटल का पोर्शन होता है, उस मेटल के अंदर जाना है, उस मेटल के बगल में ना इंसर्ट हो जाए, यह खतरा रहता है। देखिए तो इसे बड़ी सावधानी से आप घुसाइएगा। यहाँ पे देखिए ये इधर वाला मेटल है और इसके पीछे में देखिए वो मेटल नहीं है, उस मेटल के अंदर जाना चाहिए। मैं इसको ऐसे करके डालता हूँ हाथ से ही, ये देखिए चला गया है, ठीक है। ये बहुत ही आराम से जाएगा, इसमें कोई नहीं है, इतना तो ये ऐसे ही चला जाएगा। इसके बाद ये थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये आराम से नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने उंगली से
उंगली से भी इस तरह से, नाखून से चाहे तो इस तरह से, क्योंकि देखने में आपको असुविधा होगी, इसलिए मैं इसकी मदद से आपको इसको हल्का सा पुश करेंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे अंदर तो क्लिक की आवाज़ आएगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्लिक की आवाज़ आई और उसके बाद ये अंदर ही जाके लॉक हो जाता है। ठीक है, अब ये लॉक हो गया है और अपने सही डायरेक्शन में इंसर्ट हो चुका है। अब इसको निकालना हो वापस तो कुछ नहीं करना है, पहले निकालने से पहले देखिए अब ये कैमरा इस तरह से मूव हो सकता है बड़े अच्छे तरीके से। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से ये आगे पीछे मूवमेंट में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे आपको निकालना सिखाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, जिस तरह हमने इसको लॉक किया था उसी तरह से थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ पुश करना है, पुश हो गया और छोड़ देना है। ये देखिए वापस उस इनिशियल स्टेज पे आ गया। अब आपका नाखून यदि बड़ा हो तो नाखून की मदद से, या छोटा हो तो इस तरह का टोंग की मदद से इसको आप आराम से ऐसे पकड़ के इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सेफली निकालना और सेफली इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह कि हार्स ऑपरेशन के कारण जो है कैमरा में मेमोरी कार्ड फंस जाता है और फिर से सर्विस सेंटर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों इन मेमोरी कार्ड्स का और कैमरा का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने में कुछ हद तक सफल हो पाया हूँगा। और भी कुछ क्वेश्चंस यदि आपको आपके मन में है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछिएगा, मैं इस पर एक वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगा, ताकि जो आंसर है वो एक बड़े मतलब एक वाइडर एरिया में, वाइडर रीच के लोगों तक पहुँच सके। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे वीडियो को बाकी अपने सभी ग्रुप्स में और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हमारे इस चैनल का एक टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उसका भी ज्वाइनिंग लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे इस चैनल का, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वीडियो लिंक्स सबसे पहले पोस्ट हो जाती है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।